ये देखो सुप्रा को बिली मारते हुए देखा आपने आज से पहले, ये देखो भैया 10 रुपए उसके एक्स्ट्रा ले लेंगे भाई, पहले बता रहा हूँ, मत चिल्लाओ मत चिल्लाओ। नहीं तो ये जय श्री राम मेरे भाई, राम से राय से यार। सो बाय बाय सुप्रा। तो हे गाइस गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड गाइस, एंड फाइनली खुशी को दिन चेक दिस आउट, सुपराचार्य वापस इतने टाइम पीरियड के बाद फाइनली कुछ अच्छा हो रहा है गाइस ब्लॉग में। हमारा जो ट्रक था वो फाइनली आ चुका है गाइस, एंड सुपरा का जो ऑयल लीकेंड था ना वो हो ही रहा है, तो वी हैव डिसाइडेड टू शिप इट बैक बिकॉज इसको लेकर के ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता यार। और अब क्या कह रहे हो, दोनों भाई के आ गए अब तो बूम बाम राइड पर। फाइनली गाइस इतनी खुशी लग रही है ना, अब मजा आएगा इस राइड पर। आई नो इतनी सारी चीजें भी हैं बट क्या ही कर सकते थे। S1000RR is finally here, Busa is here, और नीतीश भैया is also here. नीतीश भैया कहाँ से आ रहे हो अब? हम भी चल रहे राइड में तुम लोग के साथ। चलो चलो क्या हुआ, बाहर गाड़ी खड़ी है, चला है ना? मैं तो बोल रहा हूँ चल लो। सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है गाइस, मैं तबीयत खराब में उठ के आऊँ बेड से। फिलहाल सुप्रा को डालते हैं गाइस ट्रक पे, आने से वापस भेजते हैं घर के लिए। हो गया भाई, इसकी नहीं चल सकती अब ज्यादा, दुर्गति नहीं कर सकते भाई इसकी, ये इंडियन रोड्स के लिए नहीं है। अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना लेकिन अपने जनता के साथ कैसा रहा। सुपरा के साथ एक राइड करनी थी, लखनऊ तो करा कम से कम। देखो भैया सुपरा ने लखनऊ तो एटलीस्ट करा है, इससे ज्यादा आगे गाइस हाईवे पूरा टूटा है। नीतीश भैया का ही कॉल है, नीतीश भैया आगे का क्या सीन हाईवे के? बहुत बेकार है, इस वजह से मैंने खुद ही मना करा मत ले जाओ, कोई मतलब नहीं है क्योंकि हाईवे टूटा हुआ है। देखो टूट ओके गाइस, सुपरा फुल पावर लॉक इन हो चुके हैं और अभी जाएगी यहाँ से वहाँ। क्या सिस्टम बना रखा ना इंसानों ने, कितनी प्रगति कर ली भाई। ये देखो दिस इज अ पुली लीवर, एंड ये पूरी गाड़ी रीच करके सीधा सीधा वहाँ पर। ये देखो सुपरा को व्हीली मारते हुए देखा आपने आज से पहले, ये देखो। ओके जी फाइनली अपनी सुपरा हो चुकी है लोड, एंड इट्स टाइम टू से बाय बाय टू आर सुपरा गाइस। सुपरा ने लखनऊ कर लिया था, इसके आगे कहीं पर हाईवेज नहीं है, इसके कारण हम लोग इसे लेके नहीं जा पा रहे। सो बाय बाय सुपरा फिलहाल के लिए गाइस, ट्रक को भैया लेकर के निकलेंगे अभी यहाँ से, एंड कल ये पहुँच जाएगी दिल्ली। सो बाय बाय सुपरा, मिलते हैं। सो हाँ जी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द एपिसोड। कल शाम को हम लोगों ने अपनी सुपरा को शिप करा करके फुल पावर रात को पूरी प्लानिंग करी कहाँ पर कैसे करना है क्या करना है, एंड फाइनली गाइस आज हमारी राइड कॉन्टिन्यू हो रही है मोटर व्लॉग्स पर। भाई क्या कह रहे हो, फुल पावर रहे हो, अब मजे आने वाले हैं। S1000RR और हायाबुसा इज रेडी गाइस, यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं नीचे, ठीक है, धो धा करके सब कुछ रेडी हो चुका है। एक बार बस रूम चेक कर लेते हैं गाइस, कुछ छूटा ना हो, स्पेशली चार्जर चूर्जर हेलमेट हम लोगों ने ले लिया है, सारा सामान हाइलक्स पे ऑलरेडी जा चुका है, एंड वी आर लीविंग फ्रॉम हियर। द थिंग इज गाइस यहाँ से ऑलमोस्ट हम लोगों का पहला डेस्टिनेशन होगा गोरखपुर, अयोध्या जी भी बीच में पड़ेगा, विच इज गोना बी लाइक 100 किलोमीटर, एंड अब बाइक है ना तो हम लोग आराम से स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रैवल कर सकते हैं, एंड अब ना टेंशन भी खत्म हो चुकी है बिकॉज सुपरा जा चुके हैं, तो फिर बाइकों पे ट्रैवल करना अब फार मोर इजी होगा। आई नो सुपरा को लेकर के इतनी प्रॉब्लम हुई है इस राइड पर, क्या ही कर सकते गाइस, बट अब जो हो गया सो हो गया, लेट्स कंटिन्यू दिस राइड S1000RR और हायाबुसा के साथ गोरखपुर। बिहार से इतने सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, तो ओनली हम्बल रिक्वेस्ट इज कि हाईवे पे मत रुकना, मीटअप जहाँ पर होगा वहीं पर मिलते हैं। लेट्स गो पैक करते हैं और फिर निकलते हैं ऐसे सीधा। सेम लो जी, वी आर ऑल सेट टू गो, चेक दिस आउट, दोनों अपनी सुपर बाइक आ रहे हैं। S1000RR को देख करके इतनी खुशी गाइस, आई नो ये राइड बहुत अलग ट्विस्ट से गई है, बट फाइनली वी आर बैक ऑन ट्रैक, एंड अब अगले 10 दिन का शेड्यूल ऑलमोस्ट पूरा पक्का हो रखा है गाइस। सारी बाइकों की सर्विस भी हो गई, हायाबुसा की सर्विस भी हो चुकी है, S1000RR ऑलरेडी सर्विस होकर के आई थी, फिलहाल के लिए सर्विस हो चुकी है भाई, हमारी बहुत अच्छी सर्विस हुई है, बहुत अच्छी सर्विस हो चुकी है। क्रेजी क्रेजी स्टफ मचने वाला गाइस, राइडिंग बूट्स और जैकेट डालते हैं और फिर निकलते हैं आगे। ओके जी वी आर लीविंग, एंड चेक दिस आउट, सिटी के ग्लव्स आ चुके हैं, नीतीश भैया मिले सिटी के ग्लव्स लेकर के आ चुके थे, यही ग्लव्स हैं एक्चुअली गाइस जो मेरे को एकदम फिट आते हैं, ये प्रॉपर भी लगते हैं। हियर इज द कोल्ड स्टार्ट गाइस, oh guys we are ready to move, and abhi hum log nikal chuke hain yahan se, actually guys hum log exact highway pe hi ruke hue the, and guys hum log royal galaxy resort and banquet mein ruke hue the, achhi property thi yahan par but thode bahut mehngi bhi thi bhai, raste ke flyby's crazy hone wale hain, and main aapko right plan bata deta hu guys, yahan se hum log jayenge gorakhpur, and then gorakhpur se muzaffarpur,
बिहार। एक्साइटमेंट देखो लड़के की, मैं खुद हम एक्साइटेड हूँ यार। एंड मैं आपको चीज बता देता हूँ, यहाँ से गोरखपुर होने वाला है 250 किलोमीटर, एंड फिर वहाँ से मुजफ्फरपुर होने वाले ऑलमोस्ट लाइक 400 किलोमीटर और, तो टोटल 600 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच होने वाला है। एक्चुअली हम लोगों ने जो रोड मैप प्लान करा है, वो रोड मैप हमारा आसाम से होकर के उड़ीसा तक जाएगा। सो पहले हम लोगों को पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर करना है, त्रिपुरा भी है उसमें लेटर राइट कवर करने का। अब ये पहला फेज मूव ऑन हो रहा है एंड बहुत सारे लोग एक्साइटेड है यार। बिहार से इतने सारे लोग मैसेज कर रहे हैं ना भाई, बाबू भैया हाईवे पे खड़े, हाईवे पे खड़े। गाइस प्लीज़ इस धूप पे मत खड़े रहना, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है एंड आई डोंट वांट हाईवे पे किसी की तबीयत तबीयत ख़राब हो, बिकॉज बहुत अनबेयरेबल है गाइस यहाँ पर खड़े रहना। तो यार फाइनली हम लोग अयोध्या वाले रास्ते पर आ चुके हैं। चेक दैट आउट, अपनी हाईलाइट्स भी क्या मस्त लग रही है। ऑल इंडिया राइट 24-25, ये 24-25 इसलिए क्योंकि राइड को कम्प्लीट करने में ना वक्त लगेगा। एंड ये देख रहे हो जॉय आइकॉन, जय जगन्नाथ, वी विल मेक दिस हैपन। जय आइकॉन, जय जगन्नाथ। फिलहाल के लिए जब दो बाइक आ ही गई है तो एक स्ट्रेच खींचना तो बनता है गाइस हाईवे पे। मुझे पता है ये चुल लेने की कोशिश करेगा। लेट्स गो। बिहार जाते हुए ना एक पूरा स्ट्रेच आएगा, वो पूरा स्ट्रेच ना 100 किलोमीटर का पूरा एक लंबा स्ट्रेच है जहाँ पर हम लोग आराम से लाइक 299 क्लॉक कर सकते हैं। एम स्पोर्ट के साथ तो आराम से 299 क्लॉक हो ही जाएगा। अयोध्या से केवल 72 किलोमीटर बचा गया गाइस। जय श्री राम। लास्ट टाइम लोग अयोध्या अपनी लैम्बो लेकर के आए थे एंड अब तो अयोध्या में बहुत चेंजेस हो चुके हैं। राम मंदिर के बाद अयोध्या में भी ना टूरिज्म बहुत बढ़ चुका है एंड इट्स बेस्ट गाइस। फिलहाल ये जो लोग आप देख रहे हो ना, ये पैदल यात्रा पर हैं अपनी अयोध्या के। मतलब बहुत सारे लोग हैं ना जो नॉर्मली पैदल अयोध्या जाते हैं। सोचो इस गर्मी में गाइस हाईवे पे खड़ा रहना इज इम्पॉसिबल, फिर भी राम मंदिर के लिए इतनी विश्वास है ना लोगों में कि भाई पैदल इस गर्मी में चलना इज नेक्स्ट लेवल। बाइक चलाते हुए हालत ख़राब हो रही है, गाड़ी में बैठ सकते हो आप एसी के अंदर, दैट्स इट। ओके जी, हम लोग आ चुके हैं सिंगल रेन पे, बिकॉज लेफ्ट वाला हाईवे ना अभी कंस्ट्रक्शन पर चल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की चला रहे लोग, पता है आपको भयंकर। एंड पता है बाइक पर ना तभी तक सही है जब तक ऑलमोस्ट लाइक 70-80 की स्पीड कर रहे हैं, क्योंकि तब ना हवा लग रही है। जैसी हल्का सा कहीं रुके ना, वैसी इतनी भीषण गर्मी लग रही है ना गाइस, और बॉडी टेम्परेचर इतना जल्दी हाई जा रहा है ना। ए गड्ढे 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 आराम से। ऐसी रोडों के लिए ना 1250 GSA बेस्ट है। 1250 GSA में तो पता ही नहीं चलता गाइस। हम लोग सिक्किम गए थे गाइस 1250 से आई दीक्षा दी के साथ, एंड उस टाइम पे तो पता ही नहीं चला भाई गड्ढे भी थे रोड पर, क्योंकि सस्पेंशन इतना क्रेजी है ना गाइस उसका। BMW ने दे दिया है फ्यूल की वार्निंग, 39 किलोमीटर दिखा रहा है। ऑलमोस्ट हम लोग गोरखपुर तो पहुंच ही जाएंगे, बिकॉज गोरखपुर यहाँ से बचा होगा 25 के आसपास, एंड फिर थोड़ा सा कूल डाउन ब्रेक देंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई यार, कसम से झेल ही नहीं जा रही एक दिन के टाइम तो। 12-1 बजे तो ट्रैवल करना सुपरवाइज के साथ इज वेरी हेक्टिक। ओके जी, हो चुका हमारा फ्यूल अप। 960 रुपये का 10 लीटर फ्यूल आया भाई, इसकी टंकी भी छोटी है भाई। तो यार हो चुकी है हमारी फ्यूल अप एंड बस अब हवा भरानी बच गई। 42 मिनिमम PSI रखना पड़ता है, अभी 31-37 चल रहा है, हवा बहुत कम हो रखी है। फिर गर्मी भी है ना ज़्यादा, हवा भरवा लेंगे तो फिर टायर के फटने का भी डर रहता है गाइस, एंड टायर जल्दी भी घिसता है। सो गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग अयोध्या। जय श्री राम। अयोध्या पहुंच गए। जय श्री राम।
इतनी खुशी अयोध्या पहुंच करके। बाइकों के साथ कितना अच्छा है, लेकिन टोल नहीं देना पड़ता कहीं पर। ओ भाई हाइलेक्स का टोल ही टोल इतना ज्यादा महंगा पड़ रहा है। इस साइड पर हम लोगों ने 5,000 तो दे ही दिया हाइलेक्स का टोल। जय श्री राम मेरे भाई। राम से राइजर एकदम पंप अप हो जाते गाइस अयोध्या आकर के। यहाँ से अयोध्या का एरिया शुरू होता है एंड हम लोग अपना पहला स्टॉप अयोध्या ही लेंगे, बिकॉज बाइकें भी बहुत ज्यादा हीट अप हो रखे यार, थोड़ा कूल डाउन तो करना ही पड़ेगा। सेमला जी गाइस इतनी भयंकर गर्मी, मैं बैठा हूँ गाड़ी के अंदर और चेक दिस आउट, इस लड़की की जो तबीयत खराब हो रही है ना गाइस, कल रात से बिस्तर में बैठी हुई थी, अभी भी गाड़ी के अंदर बैठी हुई है, बाहर भी बड़े बड़े लोग गाइस बाहर का आएंगे। मैं तो बोलू तो बाइक में चल रही हूँ मैं, तुमने मना करा, धूप हो रही है मत चल। खल्ला तबीयत खराब होगी, डिहाइड्रेशन हो गया, फिर रात को ORS लेकर के आए गाइस, इसके लिए बता भी नहीं सकता हूँ, जान शरीर में है नहीं, खाना खाना है नहीं, खाना खा लो लाल के लिए गाइस, खाना तो खाती रहेगी, पहले से जूस पिलाते हैं क्योंकि सच्ची में इसलिए कुछ खाती पीती नहीं है और फिर डिहाइड्रेशन से ना इसकी तबीयत खराब होती है। अभी हम लोग एक जगह रुके थे मस्त, ये चेक करो भाई इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, और हम लोग गन्ने का जूस ऑर्डर क्यों नहीं करा, वेट कर रहे थे, बनने में टाइम भी तो लगेगा, स्पेशल वाला करते हो ऑर्डर। अच्छा भैया गन्ने का जूस लगा दो स्पेशल गाइस, हम लोग हाईवे पर रुके एक जगह गन्ने का जूस पीने के लिए। भैया आपके गन्ने इतने कमजोर क्यों हैं, इनमें से जूस निकलेगा भी भैया? पोलिया हुआ कभी प्यार पास आया था हमारी बिहारी निकले दूर हो जाए कब पोलिया हुआ कभी कहाँ से लेकर के आपके गन्ने अंकल, इसमें से रस निकलेगा चिंके भैया, निकलेगा ना रस इसमें गाइस, हम जूस पीने तो रुके भैया, 200 रुपए उसके एक्स्ट्रा ले लेंगे भाई, पहले बता रहा हूँ, मत छीलो मत छीलो, तो कुछ है ही नहीं चबाने के लिए, क्या क्या चबा रही ऋतिका, कुछ चबाने के लिए आई थी उस पे। अरे सच्ची में चिल के आ रहा है जिमी भाई। मालिक थोड़ा सा आगे ले लीजिए प्लीज, थैंक यू भैया, आ जाओ रेस करते, आ जाओ रेस करते, मैंने कहा आप जीत जाओगे मैं कहा भैया जीत जाएंगे यार, चलो चलो चलो। तो यार गन्ने का जूस पी करके हम लोग निकल चुके हैं एंड थोड़ा जो गन्ने का जूस था ना, जो अंकल जी के पास गन्ने थे वो थोड़े से पतले थे, इसलिए उसमें जूस निकला ही नहीं। फिलहाल के लिए अयोध्या मेन सी में ओनली 10 किलोमीटर्स एंड ऋतिका पहली बार अयोध्या आ रही है, पता। तो हां जी गाइस हम पहुंचने वाले हैं अयोध्या, अयोध्या बचा है यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर। लास्ट टाइम ना मैं अयोध्या नहीं आ पाई थी किसी वजह से, तो मैंने अनुराग को बोला था कि मुझे ना अयोध्या जाना है, तो इस बार मैं अयोध्या जी आ पा रही हूँ, मतलब राम जी की नगरी आ पा रही हूँ, सीता माँ जी की जगह आ पा रही हूँ, तो मैं कितनी लकी हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा वॉर्म वॉर्म फील हो रहा है कि यार मैं कहाँ पर आ गई हूँ। तो हम लोग ना इतने ज़्यादा लकी हैं, मतलब मैं तो अपने आपको बहुत ज़्यादा लकी फील करती हूँ कि अगर मैं अयोध्या जी आ पा रही हूँ, और ये हमारे दो हीरो आगे चलते हुए राम होते हुए अयोध्या जी में आए एंड हम लोग आउटर से निकल रहे हैं, अभी बेसिकली अंदर सिटी से नहीं जा रहे, सिटी से जाते तो फिर थोड़ा सा जैम मिलता, पूरा लेफ्ट हैंड जा करके अयोध्या जी है एंड आगे मुजफ्फरपुर बिहार 434 किलोमीटर्स। फिलहाल गाइस कुछ खाने के लिए रुकते हैं क्योंकि भूख लग रही है एंड फिर एक बाइक को भी रेस्ट मिल जाएगा, तो रुकते हैं यहीं पर यार। हां जी कैसा लग रहा है, गर्मी गर्मी, हम तो गाना सुन रहे थे, पता कौन सा, श्री राम जाने की बैठे हैं अपने सीने में, सब ठीक हो जाएगा ऋतिका के साथ, ये ऐसी जगह पे ना भगवान जी के गाने लगाने लगता है। अच्छा नहीं मैं तो ऐसे भी गाती हूँ, सुन तो लो, तुमने मुझे बोला था लास्ट टाइम कि तुम मुझे लखनऊ लेके अयोध्या जी लेके जाओगे, तो मेरे प्रॉमिसेस तो पूरे हुए हमेशा, मेरे भी होते हैं, अपने कब करोगी, मेरे भी सारे पूरे हो रहे हैं, कर दूं गाइस एक भी प्रॉमिस नहीं पूरा करा इसने। थरायो मेरो सांस को तिनी बिना।